हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की रेसिपी है मिर्च का अचार। आज हम मिर्च का अचार बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने 500 ग्राम हरी मिर्च लिया है। इसे मैंने अच्छे से धुल करके सुखा दिया है। आप देख सकते हैं इसका अच्छे से पानी सूख चुका है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, अच्छे से सूख चुका है। हम इसे बीच से कट लगा लेंगे, ऊपर के हिस्से को हम काट देंगे, इसके डंठल को काट के फेंक देंगे और हमें इसे बीच से कट लगाना है। आराम से साल भर चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा हमारा अचार। यहाँ पर मैंने लिया है पुराने अचार का मसाला। आपके घर में जब भी आम का अचार बनता है तो अचार का मसाला बच जाता होगा। यहाँ पर मेरे पास अचार का मसाला रखा हुआ है पुराने आम का, जो बच गया था। इसका हम यूज करेंगे आज मिर्च को बनाने में। इससे बहुत ही टेस्टी और अच्छा अचार बन करके तैयार होता है और ज़्यादा मेहनत भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा अचार का मसाला। थोड़ा मसाला कम पड़ रहा था, मेरे पास बस इतना ही मसाला था, इसलिए मैंने थोड़ा सा अचार का मसाला लिया है। इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम दोनों मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा मसाला हो तो आपको अलग से मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, आप पुराने अचार के मसाले से पूरा मिर्च बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल 1 कटोरी। इसे अच्छे से मैंने गर्म करके रख लिया है। हम सबसे पहले मिर्च को इस तरीके से काटेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर के हिस्से को काट के अलग कर लेंगे, फिर बीच से हम इसे कट लगाएंगे इस तरीके से, और फिर हमें इसे छोटे टुकड़े कर देने हैं। काफ़ी बड़ा मिर्च होने पर क्या होता है, हम मिर्च खा नहीं पाते और मिर्च को हमें फेंकना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम इसके छोटे छोटे पीसेस काट के रखें, तो हमें जितना मिर्च खाना है उतना ही हम पिकल पोट से निकालें और हमारा अचार भी ख़राब ना हो। इस तरीके से हम सारे मिर्च को काट करके रख लेते हैं। इस तरीके से बीच से कट लगाते हुए हम उन्हें 2 टुकड़ों में काट लेते हैं। हमें इसी तरीके से सारे मिर्च को काट करके रखना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। हमने सारे मिर्च को काट करके रख लिया है और इन्हें बीच से भी कट लगा लिया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से हमारे मिर्च के अचार तैयार हो जाएगा और हमें ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मसाला पहले से ही बना हुआ है और इसका बहुत अच्छा चटपटा तीखा फ्लेवर आता है, क्योंकि हमने आम का मसाला लिया है, आम के अचार का पुराना मसाला इस पर यूज कर रहे हैं। अब मसाले को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमें नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाले में पहले से ही नमक है। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से बहुत ही आसानी से मिर्च का अचार बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसे अच्छे से स्टफ़ कर लेते हैं। इस तरीके से हम सभी मिर्च को भर लेते हैं। हमने तीखे वाले मिर्च लिए हैं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये हमारा अचार 1 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे मिर्च को भर करके रख लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और आम के अचार का जो मसाला होता है उसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, इसलिए आपके पास जब भी अचार का पुराना मसाला बचा हुआ हो तो उसे फेंकिए नहीं। इस तरीके से आप स्टफ मिर्ची या फिर कोई भी अचार बना करके रख लीजिए, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। एक बार इस तरीके से आप अचार बना करके दे रखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से हम सारा मिर्च भर करके रख लेते हैं। आप बहुत ही आसानी से हमारे मिर्च बन करके तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने सारे मिर्च भर करके रख लिए हैं। बहुत ही अच्छी और टेस्टी मिर्च का अचार बन करके तैयार होगा। इस तरीके से अगर आप मिर्च का अचार बनाएंगे, क्योंकि इसमें खट्टा और तीखा फ्लेवर पहले से ही रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है इस तरीके का बना हुआ मिर्च का अचार। अब हम इसे एक पिकल पॉट में डाल लेते हैं। पिकल पॉट को अच्छे से धुल करके सुखा लेना है, उसके बाद ही उसमें अचार डालना है हमें। जब भी
किसी भी पॉट का आप यूज करें अचार रखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अच्छे से सूखा हुआ हो, उसमें बिल्कुल भी नमी ना हो। मैंने इसे अच्छे से सुखा लिया है, इसके बाद ही इसमें अचार रख रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अचार रख लिया है पिकल पॉट में। अब हम इसके ऊपर डालेंगे नमक। नमक डालने से क्या होता है, हमारी मिर्च में अच्छे से नमक मिक्स हो जाता है और इसे नमक ख़राब होने से बचाता है। आप जब भी अचार बनाएं तो ऊपर से इस तरीके से थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें, इससे अचार ख़राब नहीं होता। अब ऊपर से हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को मैंने पहले से ही अच्छे से गर्म करके ठंडा करके रखा है। अब हम इसमें अच्छे से मस्टर्ड ऑयल को डाल देते हैं इस तरीके से। हमने सारा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अब ऊपर से हम इसमें लगा देते हैं ढक्कन। ढक्कन लगा दिया है और ऊपर से अब हम एक मलमल का कपड़ा डालेंगे और उसको हम बांध करके रख देंगे। इससे क्या होता है, अचार में नमी नहीं जाती है और साथ ही हमारा पिकल पॉट धूल मिट्टी से बचा रहता है। और अगर इस पे धूल मिट्टी पड़ भी जाती है तो हम आसानी से कपड़े को निकाल करके धुल सकते हैं। इस तरीके से हम अच्छे से इसे बांध करके रख देंगे और बिल्कुल सूखी जगह पे रखना है, नमी वाली जगह पे हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है और बीच बीच में हमें इसे धूप में रखना है। और जब भी धूप में रखें तो सीधे धूप में नहीं रखें, ऊपर से इस कपड़े को लगा रहे ऐसे रखें, नहीं तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।